गुड मॉर्निंग दोस्तों मैं शौथ करता हूँ आपके अपने चैनल वाइटि पर तो हम लोग पिछले क्लास में दिल्ली सल्तनत कंप्लीट कर चुके थे जिसमें देखे थे कि पानीपत की लड़ाई होती है जिसके बाद बाबर जीत जाता है उस लड़ाई का और वो मुगल सल्तनत की स्थापना करता है तो आज हम मुगल सल्तनत पढ़ेंगे और मुगल सल्तनत में आज थोड़ा हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा पहले उस, उसके शासक के बारे में उनके पीरियड के बारे में और उनके पीरियड में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हुई उनके बारे में पढ़ेंगे तो चलते हैं दोस्तों और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप शेयर कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में आपके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा और आप अपने प्रिपरेशन को बढ़ाने के लिए आप जो भी रिवाइज करते रहिए और क्वेश्चन बैंक बनाते रहिए और जो भी प्रॉब्लम हो तो तो आप शेयर कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम नजदीक आ गया है आपका बाबर तो कब से कब तक था तो पंद्रह सो छब्बीस से लेकर पंद्रह सो तक इन्होंने राज किया था और इन्होंने क्या किया था इनके शासनकाल में इन्होंने स्थापना की थी मुगल डायनेस्टी की ठीक है उनके बाद जो राजा बनता है 1530 से लेकर 1540 तक हुमायूं रहता है फिर कुछ गैप आता है ठीक है उसके बाद फिर ये राजा बनता है 1555 से लेकर 1556 तक तो ये गैप के बारे में बाद में नीचे हम पढ़ेंगे तो कौन ये राजा बनता है हुमायूं बनता है और इसको कौन हराता है शेर श्या दूरी द्वारा ये पराजित किया जाता है जिसके बाद इसके शासन बीच के शासन काल में कोई दूसरा डायनेस्टी आता है उस डायनेस्टी का नाम है सूरबंश जो कि चौदह पंद्रह से लेकर पंद्रह तक ये राज करता है और शेर शाह ने हुमायूं को हराया इस शासनकाल में यही इंपॉर्टेंट था शेर शाह ने हुमायूं को हराया ठीक है फिर 1556 एडी में फिर से लड़ाई होती है पानीपत की किसके किसके बीच जिसमें अकबर और हुमायूं के बीच होता है ठीक है तो अकबर इसमें जीत जाता है और अकबर अगला शासक बनता है मुगल डायनेस्टी का ठीक है तो पंद्रह से लेकर सोलह सो पांच में अकबर बनता इस मुगल डायनेस्टी का शासक बनता और ये एक चीज का स्थापना करता है दिन ए इलाही का स्थापना करता है तो पूछ लिया जाएगा कि दिन ए इलाही का स्थापना कौन करता है तो ये कौन करता है आपका अकबर करता है तो आप अच्छे से ये ठीक है फिर इनके समय में मुगल बहुत ज्यादा विस्तार हुआ था ये इतना प्रतापी मतलब शासक हुआ करता था कि ये अपने साम्राज्य को हमेशा बढ़ाते रहता था, था और अच्छे अच्छे कर करते रहता था तो इसके समय काल में मुगल का स्वर्ण काल माना जाता अकबर के समय में तो मुगल इसमें बहुत ज्यादा विस्तार हुआ था ठीक है उसके बाद जो राजा बनता है वो है आपका सोलह से लेकर सोलह से तो ये कौन बनता है जहांगीर बनता ठीक है तो जहांगीर राजा बनता अकबर के बाद और ये कब तक राज करता है 1605 से लेकर 1627 सौ सताइस तक और इसके शासन काल में कैट, कैप्टन विलियम हॉकिन्स आते हैं और सर थॉमस रॉय आते हैं ठीक है तो ये कौन होते हैं ब्रिटिशर होते हैं जो कि इनके शासन काल में आते हैं और ये अपनी बातें रखते हैं जो जहांगीर के सामने और जहांगीर इनका बात मान लेता है जिनके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि ब्रिटिश आने लगते हैं इंडिया में और यहां से ब्रिटिश रूल का मतलब थोड़ा सा उद्भव होने लगता है धीरे अपने आप लेने लगते हैं ब्रिटिश तो अब इनके बाद जहांगीर के बाद कौन राजा बनता ये देखते हैं तो जहांगीर के बाद कौन राजा बनता है शाहजहां तो बनता, बनता है ठीक है तो शाहजहां राजा बनता है ये कब तक बनता है सोलह से लेकर सोलह तक बनता है तो 30 सालों तक ये राज करता है और इस काल में सबसे ज्यादा जो माना जाता है कि सबसे ज्यादा कला बहुत ज्यादा विचलित होता है जैसे बहुत कला होता है फिर अस्थाप की उत्कृष्ट समय माना जाता है शाहजहां काल में ठीक है तो इनके समय के बहुत सारे आर्टिस्टिक्स बनाए गए थे बहुत सारे मॉन्यूमेंट बनाए गए थे तो ठीक है इनके बाद फिर सोलह सो में से लेकर 1607 सो तक औरंगजेब राज करता और इस समय से माना जाता है कि डिक्लाइन ऑफ डायनेस्टी ऑफ दिस डायनेस्टी डिक्लाइन मतलब विनाश होने लगता है इस डायनेस्टी धीरे धीरे ये अपना एरिया कम होने लगता है बहुत सारे छोटे छोटे राज्य मिलके जीतने लगते हैं और इनको अपने भगाने लगते हैं धीरे धीरे और फिर ब्रिटिशर भी आ जाते हैं तो वो भी धीरे धीरे अपना पावर लेने लगते हैं ठीक है उसके बाद सोलह से माना जाता है सोलह सो तक पूरी तरह मुगल सल्तनत खत्म हो जाता है धीरे धीरे छोटे छोटे बनते जाते हैं छोटे छोटे गुट में बढ़ जाते हैं और छोटे छोटे राज बन जाते हैं जिसके कारण मुगल संतनत पूरी तरह डिक्लाइन हो जाता है पूरी तरह विनाश हो जाता है और इसके बाद क्या होता है ब्रिटिशर का रूल आता है जो ब्रिटिश पूरे इंडिया पर राज करता है और ये जो ब्रिटिशर कहा से अपना पावर लेना शुरू किया था इन्हीं के मुगल संतनत इन्होंने फिर मुगल को सल पेंशन देना शुरू किया था पैसा देना शुरू किया था तो जिसके कारण ये लोभी होते चल गए और इनका डायनेस्टी क्या हो गया विनाश होते चला गया तो आप एक बार स्क्रीन ले लीजिए हम आगे फिर चलते हैं दोस्तों अभी देखिए दोस्तों ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द मुगल सन्तनत अब हम देखेंगे उनके शासक के बारे में पढ़ेंगे तो कौन कौन से शासक हुए थे तो पहले जो संस्थापक थे वो थे आपके बाबर तो बाबर जो इनके संस्थापक थे वो मुगल डायनेस्टी के संस्थापक थे ठीक है तो मुगल डायनेस्टी में जो राज करता था वो बाबर के तैमूर के ही वंशज हुआ करते थे उन्हीं के ये डायनेस्टी के पर्सन हुआ करते थे ठीक है और पंद्रह में बाबर और राणा संगा के बीच बैटल होता है ठीक है जिसमें जीतने के बाद संगा हार जाता है और बाबर जीत जाता है उसके बाद जो उपाधि लेता है बाबर वो है गाजी ठीक है और आपने पहले भी पढ़ा कि 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ाई होता है जिसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है और बाबर अपना मुगल सल्तनत का नींव रखता है ठीक है और एक साहित्य लिखकर लिखा जाता है बाबर अपने द्वारा लिखता है ठीक है तुजुक ए बाबरी ठीक है तो ये अपने बारे में लिखता है इसमें तुजुक ए बाबरी में ठीक है तो आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा बुक से बहुत रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो पूछ लिया जाएगा तुजुक ए बाबरी कौन लिखा है तो ये बाबर लिखा है ठीक है और ये कौन सा लैंग्वेज में लिखा गया है तो ये लैंग्वेज था आपका तुर्की ठीक है तो इनका तुर्की फेमस लैंग्वेज था क्योंकि ये तुर्क थे ठीक है तो इसलिए पूछा जाएगा उसके बाद इन्होंने बहुत सारे चीज का मतलब बनवाया था या मैन्युफैक्चर करवाया था तो एक गार्डन था गार्डन में दो मॉस्क्यू बनाए थे ठीक है तो ये कहाँ है कुली बाग ठीक है मॉस्क्यू एट पानीपत और संभल जो रोहिल खंड में है ठीक है तो ये मॉस्क्यू बनाए थे तो ये पूछा जाएगा ठीक है तो आप अच्छे से याद रखिए कौन कौन से मॉस्क्यू बनाए गए थे वो है काबुली बाग पानीपत में और संभल रोहिल खंड में ठीक है इसके बाद इनके जो अगले उत्तराधिकारी थे वो थे हुमायूं जो कि राजा बनते हैं और हुमायूं का शासन काल कितना होता है 1530 से लेकर 1540 और उसके बीच में कुछ गैप होता है दूसरे वंशज का मुगल दिल्ली पर राज होता है ठीक है उसके बाद फिर राजा बनते हुमायूं कब बनते हैं पंद्रह से लेकर पंद्रह तक ठीक है और हुमायूं का राज अभिषेक दिसंबर 1530 में होता है तो आपसे पूछ लिया जाएगा द वैन ऑफ हुमायूं हुआ था ठीक है तो उसमें कब हुआ था तो 29 दिसंबर 1530 में हुआ था और इनका उम्र उसमें क्या था कि तेईस वर्ष की उम्र में इनकी राजभिषेक हुए थे और पंद्रह में चौसा का युद्ध होता है ठीक है चौसा का युद्ध किसके बीच होता है ठीक है हुमायूं और

जीत जाता है और इसमें मारा जाता है पराजित हो जाता है ठीक है और ये रूल उस समय करता है केवल ओनली सिक्स मंथ ठीक है तो 1555 से लेकर 1556 में ये केवल कितने दिन रूल करता है शासन करता है तो ओनली सिक्स मंथ होता है और इसके बीच कौन सा युद्ध होता है 1555 सिरहंद का युद्ध होता है तो ये सब फेमस युद्ध है और आपके टाइम के द्वारा दिया गया तो टाइम वाला जो भी क्वेश्चन है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप याद रखेगा तो 1539 में क्या होता है चौसा का युद्ध होता है और ये किसके बीच होता है हुमायूं और शेरशाह सूर्य के बीच होता है उसके बाद 1540 में फिर युद्ध होता है शेर शाह और हुमायूं जिसमें हुमायूं को पूरी तरह परास्त कर देता है शेर शाह उसके बाद फिर 1555 में सिरहंद का युद्ध होता है ठीक है जिसमें हुमायूं परास्त हो जाता है और ये ए एक दुर्घटना के कारण मारा जाता है उसके बाद उसके दूसरे मतलब जो इतने उत्तराधिकारी वो बनते हैं राजा दिल्ली पर ठीक है उसके बाद देखेंगे इधर और फिर इनका जो मृत्यु होता है वो एक पुस्तक काला है जहां जिसका नाम शेर मंडल है तो पुस्तकालय का नाम क्या है शेर मंडल जहां ये गिरने के सीढ़ी पर गिरने की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है और ये कब होती है डेट इसका लिखा हो गया है ठीक है तो ट्वेंटी फोर जनवरी 1556 में इनकी मृत्यु हो जाती है और ये उपाधि धारण करते इन्होंने एक उपाधि धारण किया था अमिल ए कामिल का इंसान ए कामिल का ठीक है तो इसका मतलब क्या होता है निपुण पुरुष ठीक है तो इन्होंने उपाधि धारण किया था वो क्या नाम है इंसान ए कामिल का ठीक है और ये क्या रहते हैं मैथमेटिशियन रहते हैं और खगोल शास्त्री रहते हैं तो ये अच्छे से मतलब खगोल शास्त्री रहते हैं और अच्छे मतलब बताते हैं हर चीज के बारे में ठीक है और इनका ऑटोग्राफी लिखा गया इनके इनके बारे में लिखा गया और इनके शासनकाल में क्या क्या अच्छा काम हुआ और इनके बारे में लिखा गया तो किसी के बारे में हम बताते हैं तो वो किस चीज में एक जो बुक लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं तो ऑटो बायोग्राफी का नाम था हिमायु नामा ठीक है और हिमायुनामा को किसने लिखा था गुलबदन नामा ने ठीक है तो गुलबदन नामा ने लिखा था और ये कौन सी भाषा में लिखा गया तुर्की और फारसी भाषा में लिखा गया तो इसमें भी आप लैंग्वेज का डिस्कशन हो रहा है तो ये कौन सा लैंग्वेज में था फारसी और आपका तुर्की लैंग्वेज में ठीक है और इन्होंने बहुत सारे चीज का निर्माण करवाया था जिसमें फेमस था ठीक है तो पुराना किला का निर्माण जो नीव रखा गया था वो इन्हीं के द्वारा लिखा गया था मतलब करवाया गया था और उसके बाद जो इसको पूर्ण जो निर्माण कराया था वो शेर शाह सूरी ने करवाया था ठीक है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसका जो नींव रखा था पुराना किला का वो था आपका हुमायूं था और इसको जो पुनः निर्माण करवाया था वो शेर शाह सूरी द्वारा करवाया गया था तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिर हुमायूं का जो मकबरा है वो कहाँ है मकबरा बनाया गया था हाजी बेगम के द्वारा और ये दिल्ली में स्थित है तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि हुमायूं का जो मकबरा है वो कहाँ है आपका दिल्ली में और ये किसके द्वारा बनाया गया था तो? हाजी बेगम के द्वारा बनाया गया था ठीक है उसके बाद पंद्रह सौ तैतीस में हुमायूं ने विश्व पाना गा का मतलब निर्माण करवाया था और ये कहा निर्माण करवाया था दिल्ली में निर्माण करवाया तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप याद तो कब करवाया गया था विश्व पानागाह का निर्माण तो पंद्रह सौ तैतीस में कराया गया था और ये कौन से शासक के द्वारा करवाया गया था तो हुमायूं के द्वारा करवाया गया तो और ये कहाँ है दिल्ली में स्थित तो इससे तीन क्वेश्चन बनता है जो भी इसे पूछा जाएगा तो आप आंसर दे सकते हैं उसके बाद बीच में जो गैप था 1540 से लेकर 1555 तक ठीक है उसमें सूर डायनेस्टी का उद्भव होता है और ये राज करता है दिल्ली पर ठीक है तो सूर डायनेस्टी का जो शासक होता है वो शेर शाह सूरी रहता है ठीक है और इसका जो ऑरिजिनल नेम होता है तो ऑरिजिनल नेम पूछ लिया जाता है तो ऑरिजिनल नेम ऑफ शेर सूरी ठीक है तो इसका नाम होता है फरीद तो फरीद इसका नाम होता है तो इसके बाद इसको शेर शाह का मतलब उपाधि कौन देता है ठीक है तो कौन बोलता है बहरीन खान लोहनी ठीक है जो थे एक आदमी थे ठीक है जो इनको उपाधि देते हैं शेर खान और शेर शाह का तो, तो पूछ लिया जाएगा शेर शाह और शेर खान का उपाधि शेर शाह सूरी को कौन दिया था तो बहीर खान लोहनी ने दिया था ठीक है फिर इन्होंने बहुत सारे शेरशाह सा सूरी ने बहुत सारे चीजों का निर्माण कराया था जो कि फेमस एक है तो ये ग्रांड ट्रैंक रोड का इन्होंने निर्माण कराया था और इन, इसको राजमार्ग वन के नाम से भी जाना जाता है ठीक है तो आपसे पूछ लिया जाए कि राजमार्ग वन का निर्माण कौन कराया था तो शेरशाह सूरी द्वारा करवाया गया था और ये कहाँ का है तो ये सबसे पहला राजमार्ग था ठीक है और इनका जो मकबरा बनाया गया था वो बिहार के सासाराम में बनाया गया था तो अभी हमने पढ़ा कि हुमायूं का मकबरा कहां था दिल्ली में और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है आपका बिहार के सासाराम तो में तो क्वेश्चन में कंफ्यूज करता है तो आप अच्छे से हर एक पॉइंट को अच्छे से नोट करते चलिएगा और याद करते चलिए तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा तो आप अच्छे तो आपका शेर सूरी का मकबरा कहाँ है आपका बिहार के सासाराम में ठीक है उसके बाद खूनी दरवाजा का निर्माण कौन कराया था तो ये शेरशाह सूर्य द... के ही द्वारा करवाया गया था ठीक है तो फिर अब इनके हम एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक के बारे में जान लेंगे मतलब कैसा प्रशासनिक था और इसकी अर्थव्यवस्था क्या थी ठीक है तो चांदी के सिक्के चलाए गए थे उसके दाम कितना था सिक्सटी फोर दाम था ठीक है चांदी के सिक्के का दाम कितना था सिक्सटी फोर था और सोने के भी सिक्के चलाए गए थे ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो पूछ लिया जाएगा शेरशाह सूर्य के द्वारा कौन से कौन से सिक्के चलाए गए थे ठीक है तो आपको ऑप्शन दे देगा ठीक है तो ऑप्शन चेंज भी कर सकता है तांबा भी कर सकता है ये भी कर सकता है तो आपको याद रखना है चांदी और सोने का सिक्का ठीक है और लैंड रिवेन्यू कितना था वन बाय थ्री पार्ट मान लेते तीन पार्ट है हमारे पास इसमें एक पार्ट किसको जाता था शेरशाह को जाता था ठीक है और दो पार्ट किसके पास बचता था किसान के पास तो लैंड रिवेन्यू कितना हुआ करता था वन बाय थ्री पार्ट और इनके समय में एक हिंदी पोएट हुआ करते थे प्रसिद्ध हिंदी पोएट हुआ करते थे जिनका नाम मलिक मोहम्मद जायसी था ठीक है तो ये पूछ लिया जाए कि, कि मलिक मोहम्मद जायसी किसके काल में थे तो शेर इंपॉर्टेंट पॉइंट है और, है और के बारे में पूछा जाता है कि कौन कौन से काल में कौन कौन से पॉइंट हुआ करते थे तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप अच्छे से नोट करते चले और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप शेयर कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में तो आज के लिए इतना ही दोस्तों अगले क्लास में फिर मिलेंगे इनके अगले शासक के बारे में पढ़ेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप शेयर कर सकते हैं और आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो पहले आप लाइक कर दें फिर अपने दोस्तों को शेयर कर दें और जो बच्चे न्यू जुड़े हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें फिर बेल आइकन को दबा दें और लाइक को कर दें और शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो आज के लिए इतना ही दोस्तों धन्यवाद जय हिंद